कैरी बैग ले जाना भूल गए हैं, ये जा रहे हैं ऋषभ को ऋषभ के बर्थडे की तैयारी करने, ऋषभ के बर्थडे के लिए केक लेने और बैलून लेने, बड़े सारा सामान लेने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हम स्कूटी से जा रहे हैं। ही फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किट्टो ब्लॉग के चैनल पर। तो फैमिली, अभी रूम पे कोई नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दीदी जा रही है मार्केट, ऋषभ का बर्थडे है, कल ऋषभ का बर्थडे है, तो आज हमने ऋषभ को कुछ गिफ्ट देने के लिए हम मार्केट नहीं जा पा रहे क्योंकि सारा मार्केट बंद है, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो हमने ऑनलाइन शॉपिंग किया है, तो मैं ऋषभ से बोली कि ऋषभ मैं तुम्हारे बर्थडे में क्या दूं, तो ऋषभ बोला कि मौछी मेरे लिए कपड़ा देना, तो मैंने उसके लिए कपड़ा ऑर्डर कर दिया। लेकिन ऋषभ को नहीं पता है, घर में किसी को नहीं पता है, ऋषभ को मैंने उसके लिए ड्रेस लिया है क्योंकि नया ड्रेस पहनना चाहिए, बर्थडे वाले दिन नया ड्रेस पहनना चाहिए। और पति देव मेरे नीचे गए थे तो लेने के लिए, देखो आ गए हैं पति देव हमारे, उसके लिए कपड़े लेकर आ गए हैं। ऑनलाइन मैंने मंगा रखा है ऋषभ की साइज का, हम दोनों ने ऐसे कलर चूज करके, क्योंकि अब जैसा मुझे समझ में आया था मैंने वैसा लिया है। अब उसमें तो हम घुस कर नहीं देख रहे कैसा है कैसा नहीं, अभी नहीं दिखाना है, अभी नहीं दिखा। मैं 12 बजे रात को ऋषभ को सरप्राइज दूंगी, ऋषभ को नहीं, किसी को नहीं पता है कि हमने उसके लिए ड्रेस लिया है। तो फिर मैं जब 12 बजेंगे तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि ऋषभ को सरप्राइज देते हैं। लेकिन वैसे मैं तो सोची ऋषभ सो जाएगा, लेकिन ऋषभ सोने वाला लड़का है नहीं। क्या बोलो, देखो ऋषभ का बस बर्थडे है। हाँ ऋषभ का बर्थडे है, तो ऋषभ को मैंने कुछ नहीं, मैं ऋषभ को कुछ नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? मेरे पास कुछ नहीं है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मैं क्यों दूँ ऋषभ को कुछ? मैं नहीं दूंगी। मेरा बर्थडे है तो क्या दोगी? मैं तुम्हारे बर्थडे में भी कुछ नहीं दूंगी। दे देना कुछ। नहीं नहीं हटो, चलो नहीं देंगे हम कुछ भी। तो दोस्तों हम आप सबसे मिलेंगे 12 बजे रात को। और वहां से हटाओ, उन लोगों का नजर पोछेगा तो समझ जाएंगे कि हाँ मैंने कुछ लिया है। बेड के नीचे रख दो, क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन शॉपिंग आती है ना, मैं आपको सबको कलर थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इस कलर का है, और मैं इसको ना बेड के पीछे रख देती हूँ, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पहले हम उसको खोल के नहीं देखते हैं। और ये सब देखिए झाँक रहा है, उधर से देखें कि कुछ जरूर उसको कुछ डाउट हो गया है। तो मैं इसके पीछे रख देती हूँ कि अभी सैनिटाइज कर दी हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। पहले मैं अपना हाथ भी कर लेती हूँ क्योंकि मैंने टच किया है। यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे यहाँ ना यहाँ भर के रखा, उधर भर के रखा है, और दीदी गई है केक लेने, ये सब वगैरह वगैरह जो भी लगता है बर्थडे वाले दिन, ये सब लेने गई है। क्या हुआ ऋषभ, यहाँ आओ, यहाँ बेटा, आपका बर्थडे है ना, बर्थडे है ना कल आपका, कल आपका बर्थडे है, क्या पहनोगे आप? चलो ठीक है, मम्मी तुम्हारी तो गई है लेने के लिए ना, मम्मी आपकी लेने गई है ना सामान। खामोश बच्चा, बड्डा बॉय बड्डे बॉय ऋषभ स्माइल देखो इनका। तो मैंने जो भी मेरे को करना था मैंने कर लिया, और फिर मैं और कुछ दे सकती हूँ कि मैं क्या मैं ऋषभ को दे सकती हूँ। और ऋषभ बच्चा है तो उसको चॉकलेट वगैरह मैं दे सकती हूँ, चॉकलेट सेलिब्रेशन वाला चॉकलेट कल मंगा लूंगी पति देव से, आज ही मंगा लूंगी क्योंकि बार बार इनको मार्केट नहीं भेजेंगे। तो आप जाइएगा ना सेलिब्रेशन चॉकलेट लेकर, क्योंकि किसी को नहीं पता होना चाहिए कि हम लोगों ने उनके कुछ लिया, लेकिन इस सबको कुछ नहीं पता चलना चाहिए। चलो दोस्तों हम आप सबसे मिलते हैं 12 बजे रात को। A few moments later. 12 बज गए हैं और ऋषभ को अब हम जा रहे हैं सरप्राइज गिफ्ट देने, क्योंकि मतलब कि दीदी को किसी को पता नहीं है कि ऋषभ इस बर्थडे पर क्या पहनेगा, और हम जा रहे हैं उसको विश करने कपड़े दे करके। और मैं देखिए दोस्तों क्या देती हूँ उसको, और उसको आप सबको दिखाऊंगी मैं इसको क्या दे रही हूँ। सुनिए उसके पीछे कपड़े निकालो आप निकालो तो पहले 12 बज गए, मैं उसको उसको देना भी रहेगा ना, तो उसको विश करेंगे, नहीं तो उसको लगेगा कि मेरे बर्थडे के पर किसी ने कुछ दिया नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन आप सबको दिखाया था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया था, और मैंने कुछ चॉकलेट वगैरह मंगा रखा है। तो चॉकलेट कहाँ है, चॉकलेट दो ना, चॉकलेट कहाँ है, ले लो ना, सिंपल है, दुनिया भर का नहीं है, जितना मंगाया उतना ही देंगे उसको ना। तो दोस्तों उसको हम चॉकलेट और ये कपड़े, मतलब कपड़े ही दिए क्योंकि नया ड्रेस पहनेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए आप भी चलिए ना साथ में, रुको खासा हम भी ले ले, नहीं आप मेरे साथ चलो, हम भी ले ले, आप मेरे साथ चलो।
तो हम चलते हैं ऋषभ के पास, और ऋषभ को नहीं पता ना उसके मम्मी को ना किसी को कुछ नहीं पता है कि हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया उसके लिए, और मैंने उसको कुछ एडवांस में गिफ्ट, मतलब कि बर्थडे के पहले मैं उसको गिफ्ट दे रही हूँ। तो ये रहा चॉकलेट और ये रहा, मैं देखती हूँ, चलिए आप सबको दिखाती हूँ। ये लाइट लेकर आइएगा ना, क्योंकि अब वो लोग अब अपने रात हो जाती है तो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते, तो वो भी अपने कमरे में चला गया है। वो लोग उन लोग का जब से हम लोग नहीं सोते 2-3 बजा देते हैं सोने में, जब तक हम लोग का देते हैं तो लोग 12 बजे रात को अभी तक जगी रहे हो, जाग रहे हैं। और तुम लोगों को पता है आज क्या है ना? पता है, क्यों नहीं पता है, ये सबका बर्थडे है और क्या है। अच्छा, ये लो ना मेरा शूट करो। ऋषभ हैप्पी बर्थडे टू यू, ऋषभ इधर आओ, यहाँ आओ। वो तो सर आता रहता है, यहाँ यहाँ पर तो आपका बर्थडे है क्या? देखो कैसे शर्मा रहा है, आपका बर्थडे है क्या? मैंने देखा आपके मम्मी के ब्लॉग में, आपकी मम्मी बोल रही थी कि अपने पापा बोल रहे थे कि मेरा ऋषभ पुराना सुराना यही सब ऐसे रहेगा। ऋषभ इधर देखो, पहले इधर देखो, पहले सामने देखो, इधर देखो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ऋषभ बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ऋषभ, हैप्पी ऋषभ बर्थडे। ये क्या है, ये क्या है ऋषभ? ये लो पहले, हैप्पी बर्थडे, ये ऋषभ का रहा मेरी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट, और वो रहा चॉकलेट, क्योंकि ऋषभ कपड़ा ही पहनता है और ऋषभ को फुल पैंट बहुत पसंद है। ऋषभ का नहीं ऑर्डर करती जितना दे दो सब कम ही रहता है, देख लो कपड़ा सेट, तो जूता, चश्मा, ये कोई बात नहीं हुआ, चश्मा, घड़ी, कपड़ा, सब बच्चा हमारा हीरो लगेगा ना, आधा अधूरा काम। जूता अभी दिलाए थे ना, उसका जूता वाला पहन लेगा। पहले ग्रीन कलर का शूज नहीं दिलाए थे, छोटा हो गया। अच्छा, मतलब की तुम दो महीने बच्चे को बड़ा करते रहोगे, तो दिलाते रहेंगे। अभी जितना लॉकडाउन में हो सका उतना दिला दिए। देखो ये रहा हमारा प्यारा सा गिफ्ट, ऋषभ कैसा लगा? अच्छा ऋषभ, ये देखो, जोर से बोलो, अब तुम ये सब मत करो, क्या निकला है ऋषभ, पहले बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो ऋषभ। अरे अपने बच्चे को मिस करो यार, हम कार्ड में कब का ही, अभी 12 बजे कितना 5 मिनट होता है, हम पहले ही शूट करके। अरे हाँ यार, 12:05 हो गया, वहाँ से शूट करने में, यहाँ करने में। हैप्पी बर्थडे, तमिलनाडु ई लेके आई, कल लेके आया, हमार कल मिले ना, हम आज का कहेगा टुकड़ा में अच्छे। ऋषभ का बर्थडे टू यू, ऋषभ हजारों साल जिए टू यू। ऋषभ बोल नहीं रहा, हमको आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ये पैंट तुम पहनो कसम से, बहुत अच्छा लगेगा। बनवाना पड़ेगा कंपनी से, वैसे मैं यहाँ की मेहरानी हूँ ना, सही कहती हूँ, अच्छा लग रहा है यार। तुम ये तुम प्राइस नहीं, बर्थडे का गिफ्ट जो देता है ये नहीं पूछते प्राइस कितने का है। कपड़े का दुकान सारी हम सुने थे, तुम लोग बातें कर रही थी कि ऋषभ पुराना पहनेगा, क्या पहनेगा, तो हम उसी दिन हम ऑर्डर किए थे जिस दिन ऐसी बात कर रही थी। देखो दोस्तों, ये भी ब्लॉग में बोली कि हमसे ना नौटंकी मत करा, पता नहीं आज के बाद नहीं बोलो, लेकिन नौटंकी मत बोलो। ऋषभ बताया सेलो टेबल, ऋषभ बताया रे बाबू, पूछो ना ऋषभ को कैसा लगा। ऋषभ कैसा है, ऋषभ कल यही ड्रेस पहनेगा, ग्रीन कलर का सूट पहनेगा, और रात को तो कोई चश्मा नहीं लगा था, इसलिए चश्मा कोई पहनेगा नहीं। ऋषभ बोलो थैंक यू, थैंक यू बोलो ऋषभ, पहले इसमें बोलो थैंक यू, सबको थैंक यू सो मच बोलो, नहीं तो फिर कपड़े दे देंगे, बोलो थैंक यू, थैंक यू सो मच।
चलो मेरा कपड़ा दो, चलो मेरा नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं बोला तो जल्दी बोलो ऋषभ, आप बोलो बेटा ऋषभ। अच्छा चलो कैमरा बंद कर दिए, बंद कर दिया, आप बोलो बोलो थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ कपड़ा दो। आठन में क्यों बोल रही है यार इतना, मेरी स्टाइल होती है। सर थैंक यू सो मच, देखा था प्राइस कितने का, मैं प्राइस देख रहा हूँ कितने का है, कितने का होगा। अरे यार तुम लोग पैसे की क्यों बात करती यार बीच बीच में, ये 100 रुपए लिखा ये मियाँ बीबी बस गैजा अंकल लिख ला शादी पड़ती है ना, एक बंदा पेंसिल और एक चॉकलेट दैजा लिखने वाला, और कितना देर लिफाफे में वो दैजा लिखा जाता है। लिख ला भैया लिख ला, अब हमारा बच्चा बता नहीं कब भैया, ऐसे हमने एक ही देते तो देखिए पहले हमने इनको चॉकलेट दिया तो रात को कम से कम कुछ मीठा मुंह तो किया ही नहीं, तो दो हम ऋषभ को पहले खिलाए, तो ऋषभ में बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू खाएगा, मेरा मुंह ही बंद करा दी कि हम खाओ खा लो बस भी खाओ। ऋषभ का भी हम रात को मुंह मीठा कर लिए हैं, तो ऋषभ को हम खिला रहे हैं, ये बहुत मीठा है ना, क्या मिर्ची डाले क्या, नहीं मिर्ची मत डाले, जैसे तुम्हारे बातों में रस छूटा है कैसे। सब कहते हैं वंदना जी बहुत, वंदना जी की वीडियो की जान होती है रसगुल्ला की चाशनी है ये, क्या सबको लग रहा है चॉकलेट खत्म हो गया, चॉकलेट खत्म हो गया, और चॉकलेट के लिए हमारा लग रहा है कल जानती हो कल बड़ा वाला चॉकलेट मंगाएंगे, तब सोनाक्षी का पेट और भर जाएगा क्योंकि सोनाक्षी को बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज छोटा सा ब्लॉग, और ऋषभ को मैंने सरप्राइज गिफ्ट दिया, ऋषभ इस लॉकडाउन में ऋषभ को मैंने कुछ छोटा मोटा जो मेरे से हो सका मैंने उतना किया। तो आज का ब्लॉग अगर आप सबको पसंद आएगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, किसी के जुबान से निकल नहीं रहा है लाइक कमेंट, लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर, दोस्तों मैं ढकाल ले रहा था कपड़े तो लगा रहे थे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे, और अगर जो ऋषभ को मैंने गिफ्ट दिया अगर वो गिफ्ट आप सबको पसंद आएगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लीजिएगा भैया बहुत, एंड हमारे चैनल पे देखिए धमाकेदार वीडियो आता है अमित के भी और ट्विटर को, हम लोग को वीडियो देखना ना भूले, सबसे पहले हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले हमारी देखो ऋषभ फाड़ रहा है, ऋषभ भी खा रहा है, हमारी पूरे यानी आप तक पहुंच जाए। चलो दोस्तों हम मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि कल अच्छे से बर्थडे मनाया जाएगा, तो उस ब्लॉग में देखिएगा वंदना जी का, वंदना जी के ब्लॉग में आएगा, मेरा यही ब्लॉग है क्योंकि मैं अब कोई भी ब्लॉग बर्थडे से रिलेटेड नहीं शूट करूंगी, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू। दोस्तों ऋषभ का बर्थडे का गिफ्ट हम लोगों ने जो उनको दिया, तो हम ये नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ देंगे हम लोग इस बार, क्योंकि उसका पिछले साल बर्थडे में बहुत ही नॉर्मल से बर्थडे मनाया गया था, क्योंकि उस बार भी लॉकडाउन था, तो हम लोग सोचे कि चलो इस बार भी मनाएंगे तो कुछ बड़ा सरप्राइज देंगे और कुछ बड़ा गिफ्ट देंगे, मतलब सोचा तो बहुत कुछ था हमने, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, तो इस लॉकडाउन में हमसे जितना हो सका हम लोगों ने उतना उसके लिए गिफ्ट दिया, क्योंकि ये ऋषभ को बहुत प्यार करते हैं, तो ये सोचे थे कि चलो ऋषभ को इस बार बर्थडे पे हम लोग बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज देंगे, कुछ बड़ा गिफ्ट देंगे, चलेंगे कहीं घूमने टहलने, हाँ कुछ मतलब कि पहले हम सोचे कि सबसे पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, ये दुनिया भर का मतलब कि बहुत कुछ सोचे थे, लेकिन जितना सोचो उतना हो नहीं सकता है, लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने ऋषभ के लिए उतना किया, भगवान आप सब मतलब कि भगवान से ये दुआ करें कि भगवान पीछे मतलब कि आपके लॉकडाउन में जब भी आएगा उसका बर्थडे, तो लॉकडाउन मत लगाना और ऐसा सिचुएशन क्रिएट मत करना कि हम लोगों को कोई भी चीज खरीदने में या फिर शॉपिंग करने में किसी का, जब कुछ स्पेशल डे होता है ना तो उस दिन अगर ऐसा वैसा दिन होता है ना तो बहुत बेकार सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे दिन पे खूब अच्छे से सेलिब्रेट करो, बच्चे भी खुश हो, चार लोग हम लोग तो ये मनाए थे कि ऋषभ का बर्थडे इस बार ऋषभ शायद 4 साल का हुआ है ना, पांचवा लगता,
तुम सोचते कि इस बार हम लोग चलो, इस बार लॉकडाउन है, पिछले बार उसका बर्थडे रहेगा, जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो हम लोग चलेंगे दिल्ली में, तो सबको बुलाएंगे, पूरे रिलेशन वाले को बुलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं साला, इस बार भी लॉकडाउन और कोई आ भी नहीं, जा नहीं सकता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो लव यू ऋषभ, सॉरी बेटा, मेरे से जितना हो सका मैंने उतना किया। मैंने अगर मैं बाहर जाकर के कुछ दुकान पे या फिर कहीं जाती, फिर अच्छे से सेलिब्रेट करती, अच्छे से सामान खरीदती और सब कुछ करती, तो सॉरी मेरे से क्या बोले बाबू इसके बारे में। चलिए दोस्तों, अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सेलिब्रेट होगा, इनके चैनल पे आएगा और दीदी के चैनल पे आएगा, तो आप लोग वहाँ इनके सबके चैनल ब्लॉग देखिएगा। और आप सब लोग बोलते हैं कि दीदी आप चश्मा मत लगाया करो, अच्छा नहीं लगता। इसकी आँख में प्रॉब्लम नहीं लगा कि सर दर्द करने लगे बिना चश्मे का? मेरे को बताने की बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं देख पाती, सुन पाती हूँ। चलो दोस्तों, अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय, लव यू।